नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में, जो कि आपके चैनल है। और मैं हूं प्रीतिका मजूमदार। आप सभी जानते हैं मैं एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और ब्लैक मैजिक रिमूव करने करती हूं मैं। तो आज मैं आपको कहूंगी अशोक की, अशोक वृक्ष तो सभी लोग जानते हैं, अशोक के वृक्ष के पत्तों से, अशोक के पत्ते से आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं। तो एक एक करके सुनिएगा और लिख के रख लीजिएगा। अशोक के पत्ते, कोई भी शुभ दिन हो आप आमंत्रण देकर अशोक की जड़ को, रूट को, ज़रा सा शिखर जो है, रूट है, ज़रा सा आप लेकर आइएगा अपने घर में। कोई भी शुभ दिन हो, जैसे पूरणमासी हो, गुरु पूर्णिमा हो, कोई नवरात्र चल रही है, कोई अच्छा शुभ मुहूर्त देख के, शुभ दिन देख के, वो निमंत्रण दे के, मतलब अशोक के वृक्ष के सामने जाके पूजा अर्चना करके और अशोक के वृक्ष को नमस्कार करके पहले बोलना आपको चाहिए कि मैं आपके वृक्ष की जड़ को थोड़ा सा लेना चाहती हूँ, मुझे आप आशीर्वाद दे, परमिशन दे, ताकि आपके वृक्ष की इस जड़ को लेके मैं अपने घर में जाऊँ और मेरे घर में बरकत हो। ऐसे बोल के पूजा करके, धूप दीप दिखा के और थोड़ा मिश्री और पानी अशोक के वृक्ष में अर्पित करके फिर वहाँ से अशोक की जड़ को आप घर में लेके आइए और विधि विधान से आपने पूजा कर लीजिएगा। अपने घर के मंदिर में रखिएगा, अपने खुद नहा धो के एक देसी घी की दीपक जलाइए, धूप दीप दिखाइए और मंत्र उच्चारण कीजिएगा और उस अभिमंत्रित कर लीजिएगा उस वृक्ष की जो शिखर है उसको। और अशोक की जड़ को अभिमंत्रित करने के बाद वो उस जड़ को आप अपने घर की, जहाँ पे आप पैसा रखते हैं वो जगह पे, जहाँ आप ज्वेलरी रखते हैं वो जगह पे, या फिर आपके दुकान है, आपकी शॉप है, आपकी फैक्ट्री है, उस जगह पे ड्रॉअर पे आप उस जड़ को, अभिमंत्रित किया हुआ जड़ को रख सकते हैं। इससे आप देखिएगा दिन दुगुनी रात चौगुनी आपको फ़ायदा होने वाले हैं। एक तो ये उपाय मैं आपको कह रही हूँ, इसके अलावा एक उपाय और सुनिएगा। जिन पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं उनको क्या करना चाहिए, अशोक के वृक्ष की 7 पत्ते लेकर आइएगा, गंगा जल से साफ करके अपने मंदिर में बिछा के रखिएगा। जैसे अशोक के पत्ते सूख जाए उस पत्तों को पीपल के वृक्ष में रख के आइएगा, फिर 7 पत्ते और तोड़ के लाइए, उसको साफ करके, गंगा जल से साफ करके वो धो के आप पूजा स्थान में रखिएगा और उसमें फिर आप पूजा अर्चना कीजिएगा। उसके बाद जब वो पत्ता सूख जाए वो पीपल वृक्ष के नीचे छोड़ के और पीपल वृक्ष के जड़ पे पानी डाल के आप आइएगा। इसके बाद ऐसे करके आपको लगातार आपको 40 दिन इस उपाय को करना है। आप देखिएगा पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा, घर घर में क्लेश कलह होता है तो वो सभी समाप्त तो हो जाएगा। इसके अलावा अशोक की फूल को, अगर कोई जिनकी बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है, अशोक की फूल को पीस के अगर ज़रा सा हनी के साथ, मतलब शहद के साथ ले, तो इससे भी अगर बीमारी है, परेशानी है, वो भी समाप्त तो हो जाएगा। और जो महिलाएं मोटापा है, जो लोग जो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए भुगत रहे हैं, तो उनको अशोक की पेड़ की जो छाल है, तो उस छाल को निकाल के उसे पानी में उबाल के एक ग्लास पानी, जब आधा ग्लास हो जाएगा उस पानी को पी जाना चाहिए ठंडा करके। साथ में आप शहद मिला सकते हैं, तो इससे भी जो जिस महिलाओं की हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा है उस उनकी हेल्थ प्रॉब्लम में धीरे धीरे करके कमी आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, सुनने में बहुत छोटा है, बट ये उपाय आप करके देखिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये खुद मैंने खुद अपने इस्तेमाल किया है, इसके लिए आप सभी को फ़ायदा के लिए आज मैं ये उपाय सारे मैंने कहा आपको। और कोई भी जैसे शुभ दिन हो, जैसे नवरात्रि हो, दिवाली हो, गुरु पूर्णिमा हो, तो अशोक की पत्ते का बंदरवार लगाना चाहिए अपने घर के मेन डोर पे। ऐसे लगाए ताकि आते जाते लोगों का माथे पर अशोक की पत्ते का टच हो। ऐसे करने से नकारात्मक ऊर्जा
बाहर ही रह जाएगा, घर के अंदर नहीं आ पाएगा। और घर के लिए भी अशोक की पत्ती जो है बहुत शुभ है। चलो आज तो आपने जान लिया अशोक की पत्ती से क्या क्या उपाय कर सकते हैं और किस किस उपाय से और कैसे कैसे अशोक की पत्ते फूल और जड़ और छाल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने और भी पूजा पाठ उपाय और काला जादू की तंत्र मंत्रों की उपाय टोटके लेके हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।